हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डिज़ाइन, जो कि 25 फीट चौड़ाई है और 50 फीट लंबाई है। ठीक है, तो गाइस दोनों साइड से हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जो भी वेंटिलेशन वगैरह होगा वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, नीचे में जो है गाइस रहने के लिए खुद का, और ऊपर में है गाइस 1 BHK फ्लैट सामने है और 2 BHK फ्लैट है। ठीक है, मतलब 1 BHK एक है और एक है 2 BHK फ्लैट है। ठीक है, तो गाइस ये उसका डिज़ाइन है, तो मैं आपको इसका नक्शा भी दिखाऊंगा पूरे डिटेल के साथ। और 25x50 का सबसे बेस्ट होम डिज़ाइन है, मैं आपको इसका नक्शा पूरा बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 25 फीट चौड़ाई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 25 फीट चौड़ाई है और 50 फीट लंबाई है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 25 फीट बाय 50 फीट है। ठीक है, तो गाइस पार्किंग से स्टार्ट करते हैं। कार पार्किंग होगा जो कि डिज़ाइन में है, उसके बाद एक मेन डोर यहाँ से होगा, एक डोर यहाँ से होगा रेंट पर्पज़ के यहाँ जाने के लिए। ठीक है, अगर रेंट पर्पज़ का अगर कोई लिया है रेंट पे, मैं आपको रेंट पर्पज़ का भी दिखाऊंगा नक्शा। ठीक है, तो गाइस ये रेंट पर्पज़ वाले के लिए है यहाँ से डायरेक्ट, और ये मतलब खुद का जाने के लिए एक गेट मैंने यहाँ पे भी दिया है, इस वाले गेट और एक गेट सीधा। ठीक है, कि कोई भी रेंट पर्पज़ यहाँ से गेट ना खोल करके डायरेक्ट गेट खोले और डायरेक्ट ऊपर आ जाए, और जो आपको अंदर में अगर आपको ऊपर जाने का मन है तो इस वाले गेट खोल करके डायरेक्ट ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, तो गाइस सामने में एक बेडरूम होगा जो कि 10 फीट, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, 10 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 11 इंच का है। ठीक है, उसके बाद एक अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम है। ओके, जो कि 4 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 3 इंच का है। उसके बाद अंदर का एक लिविंग एरिया है जो कि 11 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 8 इंच है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सोफा वगैरह लग सकता है, नो प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये स्टेयर का लैंडिंग डायरेक्ट छत के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जो गेट खोलेंगे तो यहाँ पे जो है ये गेस्ट के लिए हो गया, कोई भी गेस्ट है तो यहाँ पे एक गेस्ट रूम टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर आने का जरूरत नहीं है, एक मेन गेट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से गेट खोलने के बाद यहाँ पे आपका मतलब अंदर का फैमिली का हो जाएगा 2 रूम। ठीक है, 2 रूम के लिए जो 25 फीट चौड़ाई है इसका वेंटिलेशन यहाँ से छोड़ें जो कि 1 फीट छोड़े, यहाँ पे एक विंडो आएगा इस जगह पे, जो कि रूम का साइज है 11 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 11 इंच का, इसका भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सोफा, बेडरूम एंड LED TV वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे जो है अलमीरा वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक गेट हो जाएगा, एक गेट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डाइनिंग हॉल का जो एरिया है 13 फीट 2 इंच बाई 15 फीट 7 इंच का है। उसके बाद एक पूजा रूम है, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। उसके बाद एक जो किचन रूम है, ये भी हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग है। किचन रूम पूरा ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वेंटिलेशन का, जो कि यहाँ पे आर्क टाइप में है। यहाँ पे देख सकते हैं किचन का साइज 8 फीट 3 इंच बाई 7 फीट का है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का और फ्रिज का एरिया है जो कि 6 फीट 2 इंच का है। ओके, और यहाँ पे जो है कॉमन टॉयलेट है जो कि यहाँ पे 2 रूम वाले का यहाँ पे सब यूज़ कर सकता है, टॉयलेट एंड बाथरूम। ओके, जो कि कॉमन है ये। ओके, तो चलिए आपको मैं अब ऊपर का नक्शा दिखाता हूँ। ठीक है, ऊपर का नक्शा में क्या है गाइस, कि ऊपर का नक्शा रेंट पर्पज़ के हिसाब से अब यहाँ पे क्या होगा, स्टीयर है वो सामने जो है 1 BHK का हो जाएगा। ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से जो आप हो करके डायरेक्ट ऊपर जब आएंगे तो सामने 1 BHK का होगा और पीछे 2 BHK का होगा। तो 1 BHK में क्या है कि एक लिविंग एरिया होगा 7 फीट 10 फीट 7 इंच बाई 11 फीट 11 इंच का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सामने बालकोनी हो जाएगा, और यहाँ पे है 7 फीट एंड 7 इंच है। ओके, 11 फीट बाई 11 इंच का है। ओके, एक बेडरूम, तो ये 1 BHK का होगा। एक हो गया टॉयलेट कम बाथरूम, 6 फीट 11 इंच बाई 5 फीट का एक टॉयलेट कम बाथरूम हो गया। एक डाइनिंग एरिया हो जाएगा खाना खाने के लिए, एक किचन हो गया। ओके, जो कि वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से भी एक विंडो खोल सकते हैं या ओपन ही रहेगा ये। ओके, तो साइड से हमारा तो बंद ही रहेगा। ठीक है, साइड से हमने नहीं छोड़ा इसका। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किचन 5 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 3 इंच का हो गया। अब चलते हैं 2 BHK फ्लोर में। तो 2 BHK वाले का क्या है कि यहाँ पे वेंटिलेशन मिल रहा है सामने वाले का, इसका भी बेडरूम वाले को वेंटिलेशन सारा, डोर वगैरह सारा मिल रहा है, तो पीछे वाले को भी मिलना चाहिए। तो पीछे वाले के लिए भी वेंटिलेशन सेम, नीचे में यहाँ विंडो लग जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे डाइनिंग लिविंग एरिया हो जाएगा, उसके बाद लिविंग एरिया 15 फीट 7 इंच बाई 13 फीट 2 इंच का, एक किचन रूम हो जाएगा छोटा सा सुंदर, एक डाइनिंग एरिया हो जाएगा और एक टॉयलेट कम बाथरूम कॉमन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर साइज 2 BHK का। और ऐसा इतना ही साइज का होना चाहिए रेंट पर्पज़ का मकान।
जो कि आप इसका भी दिखा देता हूँ। 3 बेडरूम नीचे में है जो कि खुद का रहने के लिए है, और ऊपर में जो है कि 1 BHK का 2 BHK का फ्लैट है, जो कि नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, वो कब आ रहा है कब जा रहा है, अपना गेट खोला और चले गया, ऊपर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं है। इस टाइप का नक्शा हमने बनाया 25x50 का। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और दोस्तों मैं इसी तरह का वीडियो लाता ही रहता हूँ। एंड थैंक यू।